नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के शिव चौक पर। साथियों, दो दिन पहले हमने खबर बनाई थी कि एक चाय वाले की, गरीब चाय वाले की साइकिल चोरी हो गई। उसके बाद में खबर का असर ये हुआ कि चोर खुद साइकिल सुबह सुबह ही खड़ी करके चला गया और पर्ची लिख कर गया है कि मुझसे गलती हो गई, मैं दारू के नशे में साइकिल चोरी कर चला गया था। ये देख सकते हैं, ये चोर खुद, थोड़ा सा पीछे करो जी, ये चोर साइकिल खुद खड़ी कर गया है और कह रहा है कि मुझसे गलती हो गई, मैं दारू के नशे में साइकिल चोरी कर चला गया था। ये देखो, ये चोर खुद साइकिल, चोरी की हुई साइकिल खुद खड़ी कर चला जाता है। अब आपको साइकिल की तस्वीर दिखाते हैं, आप देख सकते हैं। सभी साथियों से गुजारिश करूंगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये देख सकते हैं, ये साइकिल है, ये साइकिल है, ये साइकिल खुद खड़ी कर वो चोर है वो चला गया और ये पर्ची है, वो पर्ची भी लिख कर चला गया। इस पर्ची पर लिखा हुआ है, मैं साइकिल ले गया, मुझसे गलती हो गई, आपकी साइकिल वापस यही खड़ी करके जा रहा हूं, मैं दारू के नशे में ले गया था, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दो। ये इस पर्ची पर लिखा हुआ है। साइकिल चोर किस तरीके से साइकिल है वो वापस खड़ी करके चला गया और साथ में एक पर्ची लिख कर ले देखे गया है कि मुझसे गलती हो गई, मैं दारू के नशे में था और मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ये देख सकते हैं किस तरीके से एक साइकिल चोर दारू के नशे में साइकिल को चोरी कर चला जाता है और वापस साइकिल यहीं खड़ी करके जाता है। आपकी मेहनत का नतीजा है, वीडियो वायरल होने के बाद में ये साइकिल वापस खड़ी करके जाता है और पर्ची लिख कर जाता है कि मुझसे गलती हो गई और उसके बाद में यहाँ पर आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जो साइकिल जिसकी चोरी हुई थी उनसे भी बातचीत करवाने की कोशिश करूँगा। खुश हो? हाँ जी, पूरा खुश। ओके, हाँ जी भाई साहब, क्या कहना चाहोगे? भाई साहब, ये तो पता लगा चोरी होगी, सारा मैंने ढूंढ ली खोला दी, फिर मैं कहा भाई जी सोनू शर्मा ने बोला मार्ग गिर आदमी वही काम हवा आगे इन वास्ते मैं थाना फोन करे, अब एक फोन का सगा आ गया और थारी मेहनत सारा अठगा सारा धन्यवाद दिया जिन्हें कारण आज साइकिल मिल गई वापस, नहीं तो साइकिल तो आके आजकल गाड़ियां चक्कर जब भी कौन मिले, आज थे थोड़े से परेशान करो गरीब आदमी वास्ते आ गया, नहीं तो कम ही कोई लोग आज कल आवा है, इन चक्कर में थारा बहुत बहुत धन्यवाद करा सारा। तो साइकिल ये कितने बजे वो चोर है वो वापस खड़ी करके? 5:30 बजे खड़ी कर गया, साथ में चाबी भी लुक हो गया, अभी मैं और कोई ना चक ले जाए। अच्छा। भी अभी उन्होंने इतनी वायरल कर दी इस वीडियो को। हाँ। इस जैसे चाबी भी कहा यहाँ इसके नीचे लुक हो गया। अच्छा। तो वो चोर का पता लगा है या नहीं? पता नहीं लगा। चोर का मुझे पता लग गया, लोगों ने मेरे को बता दिया। आपने उस चोर को माफ कर दिया क्या? बताओ, माफ कर दिया आपने चोर को? कोई पुलिस को शिकायत तो नहीं करोगे? कर दिया माफ। क्या कहना चाहोगे चोर से, भी आगे से चोरी ना करे? हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? आगे से कभी ना करे, चोरी ना करे आगे। हाँ। ये देख सकते हैं, चाय वाला, गरीब चाय वाला जो आम आदमी है, इसकी साइकिल कोई चोर चोरी करके ले गया था, अब ये हंस रहा है, पहले भी हंस रहा था लेकिन अब आज ये हंस रहा है, जोर जोर से हंस रहा है क्योंकि इसको इसकी साइकिल वापिस मिल गई। चोर चोरी करके तो ले गया लेकिन इसकी मेहनत मजदूरी, एक एक रुपए की इसकी कमाई थी, इसका मैं कह रहा हूँ इसके खून पसीने की कमाई थी तभी इसकी साइकिल वापस आई है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ भाई साहब? बहुत सही कह रहे जी, तो आपकी मेहनत थी, आपके कारण वायरल हुआ, जिससे लोगों को क्या मिलता है आजकल, आपका धन्यवाद है बहुत बहुत, आपने एक फोन के साथ आ गया, आप हमारे साथ इसी के मिल गई साइकिल, ये खुश है इसके मिल गई साइकिल, हम तो सही चाहते बस। हाँ जी धर्मवीर जी, चोर वापिस साइकिल खड़ी कर गया और पर्ची लिख के देखे गया, अभी चोरी भी दारू के नशे में की है मैंने। अच्छा जी, क्या कहना चाहोगे? ना ना अच्छी बात है, चलो मिलेगी, दे के चला गया, नशे में चोरी कर लेगी तो दे गया, चलो भला बेचारे गरीब बंदे का इसका साइकिल मिल गई, अच्छी बात है। ये तो चोर को माफ कर दिया क्या आप लोगों ने? सभी लोगों ने, चलो जो आपने गलती महसूस कर गया चलो आप माफी कर देते हैं, बस जो आ गया और जो ले जाता उसको क्या कहेंगे, ले ही जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चाय वाले और साथ में और भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी भाई, क्या कहना चाहोगे? पहले तो आपका शुक्रिया करता हूँ जो आपने वीडियो वायरल की, आपके मैं चैनल देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हो सिरसा वासियों के लिए, और मैं सबसे पहले ये कहूँगा हमारे यहाँ चोरियाँ भी बहुत हो रही है सिरसा में, कल भी हमने आपकी वीडियो देखी, चैन चोरी की उन्होंने, वो भी हाथ नहीं लगे अभी,
वो भी हाथ लग गया, वो भी वीडियो से पता लग गया, लोगों ने बता दिया, उसको पकड़ लिया। आपकी वीडियो से ही पता चला होगा, बाकी ये गरीब आदमी की साइकिल मिलेगी उसके लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद। ये देख सकते हैं, ये चाय बनाने का काम करता है और इसकी साइकिल है, वो चोर चोरी करके ले गया था और आज सुबह सुबह ही ये देख सकते हैं, ये साइकिल चोर वापिस साइकिल को खड़ी करके चला गया और पर्ची लिख कर गया है कि मैं साइकिल गलती में मुझसे ले जाई गई और मैं यहीं वापिस साइकिल खड़ी करके जा रहा हूं और मैं दारू के नशे में था। तो ये आप देख सकते हैं चोर चोर है, वो भी पर्चियां लिख लिख कर साइकिल छोड़ गए, ले जाने लगे और छोड़ कर जाने लगे। तो आपका सहयोग और आशीर्वाद, अभी आपने इस वीडियो को वायरल किया, प्यार दिया, तो सभी साथी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।